हेलो गाइस, वेलकम टू डैया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, ये हमारा इंडियन रिटेल यूनिट ऑफ रियलमी 5 प्रो, और आज की वीडियो में करेंगे यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग, और मैं अपना इनिशियल इंप्रेशन आप लोग के साथ में शेयर करूंगा और आपको एक क्विक रिव्यू यहाँ पर दूंगा रियलमी 5 प्रो का। तो इसी बात पर कर देना एक वीडियो को लाइक, ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इसे मैंने परचेस करा था फ्लिपकार्ट से 13999 में 464 वाला वेरिएंट। तो कटिंग मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी कर दिया था अभी, और वापस से यहाँ पर आप लोगों के सामने भी कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइट रहती है और कैमरे के पीछे से करना बहुत ही डिफिकल्ट जॉब रहता है। सो यहाँ पर से भी आप देख सकते हो थोड़ा चिपका हुआ है, तो इसे हमने यहाँ पर खोल लेते हैं। कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। सबसे पहले तो इनवॉइस है, यहाँ पर मैं इसे साइड में रख देता हूँ, और आ जाता है हमारा रियलमी 5 प्रो। तो बॉक्स को यहाँ पर साइड में रख देते हैं फ्लिपकार्ट के, और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको पैकेजिंग मिलेगी रिटेल यूनिट में, उसे भी रख देते हैं साइड में। तो ये हमारा रियलमी 5 प्रो, और यही ब्लू कलर में मैंने इसे बुक कराऊ। आप देख सकते हो रियलमी 5 प्रो लिखा हुआ है, रियलमी की ब्रांडिंग है, साथ में बुक चार्जिंग वगैरह है, और यहाँ पर क्या लिखा भाई, नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। ओके चलिए, और रियलमी 5 प्रो है, सील वगैरह, और आप देख सकते हो सार वैल्यू अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। और 464 वाला हमने बुक करे, आप देख सकते हो सारी डिटेल्स है, और मेड इन इंडिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो चलिए जल्दी से सील को भी यहाँ पर हम खोल देते हैं और देख लेते हैं। सो ठीक है, यहाँ पर है, सो ठीक है, यहाँ पर खुल गई, और जल्दी से यहाँ पर ये यह रैप को हटा देते हैं। तो फाइनली हमारा बॉक्स जो है खुल चुका है, अब यहाँ पर इसे हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या लिखा है, वेलकम टू रियलमी फैमिली, रियलमी की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो रियलमी की कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, पढ़ना है तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। साथ में यहाँ पर अगेन आपको क्विक गाइड यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि आजकल कुछ पढ़ता नहीं है। और यार, रियलमी का मेरा फेवरेट कवर, जो कि अच्छी क्वालिटी का, अगेन ये फ्लिम्सी टाइप का नहीं है, अच्छी खासी यहाँ पर पॉली, भले ही आपको ये प्लास्टिक का देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पर एक आपको ये स्टिकर भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसे भी जल्दी से रख देते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हमेशा यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिलता है, लेकिन ये ग्रेइश टाइप का आपको देखने को मिल रहा है, ताकि कवर येलो नहीं पड़ सके। तो उसे भी रख देते हैं हम साइड में, और आ जाते हैं हमारे डिवाइस की तरफ। तो यहाँ पर है हमारा डिवाइस, तो डिवाइस को भी साइड में रख देते हैं और अंदर की चीज़ों को देख लेते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वुक चार्जिंग आपको इतना बड़ा सी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन 5 वोल्ट 4 एम्पियर पे यहाँ पर है, मतलब 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। और ये बार रियलमी प्रो सीरीज़ में पहली बार आपको टाइप सी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन काफ़ी बढ़िया बात है। और नीचे क्या है भाई, नीचे कुछ है आई थिंक, नहीं कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसे साइड में रख देते हैं सारी चीज़ों को। और हाँ गाइस, यहाँ पर मैं सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर ढूंढ रहा था भाई मेरे को, क्योंकि मिला ही नहीं था अनबॉक्स करने के टाइम पे। अब मैंने फाइनली यहाँ पर, मुझे कुछ लग रहा था कि नीचे कुछ है, अब मैंने यहाँ पर देखा तो इसमें चेक किया, तो यहाँ पर आपको जो है सिम इजेक्टर पिन देखने को मिलती है। तो अगर आप रियलमी 5 प्रो लेते हो तो भाई टेंशन की बात नहीं, आपको ये मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो चलिए इसे जल्दी से साइड में रख देते हैं, अभी थोड़ी देर में काम में आएगा। ये है हमारा रियलमी 5 प्रो का, आप देख सकते हो ब्लू वाला वेरिएंट, बहुत ही कमाल का लग रहा है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो पर्पल टाइप का पैटर्न है, और यहाँ पर नीचे आते आते आपको ब्लू देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल काफ़ी दिखने में ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए जल्दी से फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो 6.3 इंच का आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, वाटर टॉप नॉच के साथ में। बैक में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, रियलमी की ब्रांडिंग है। राइट साइड में यहाँ पर आपको पावर ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, बाकी पूरा प्लेन है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिलता है, और यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। चलिए मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में अगर फ़ोन लॉन्च करें ना तो भाई ये चीज़ मैंडेटरी रहना चाहिए। अब साथ में अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंडरी माइक आपको देखने को मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन वाला, साथ में यहाँ पर आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है, मेन माइक्रोफोन है, टाइप सी का पोर्ट है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं डिवाइस को बूट अप कर लेता हूँ, जब तक आपको स्पेसिफिकेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा रियल
Realme 5 Pro, यहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले मिलता है कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। यहाँ पर 464 वाला वेरिएंट मैंने बुक करा हूँ। स्नैपड्रैगन का 712 आपको देखने को मिल जाता है एड्रीनो 616 GPU के साथ में। बैग में आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है। प्राइमरी कैमरा जो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सोनी का MX586 का सेंसर है, साथ में 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर आपको 4030mAh की बैटरी देखने को मिलती है, वुक चार्जिंग का सपोर्ट है। सो गाइज यहाँ पर हमारा डिवाइस आप देख सकते हो यहाँ पर बूट अप हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जल्दी से यहाँ पर थोड़ा ये डिवाइस को यूज़ करता हूँ, कुछ पिक्चर सैंपल्स लेता हूँ, फिर आपको ऑडियो वीडियो फिंगरप्रिंट स्कैनर और अपने इनिशियल इंप्रेशन जो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सो गाइज फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी सारी डिटेल्स डाल दिया और यहाँ पर ये फ़ोन को कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल करा। अब मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो यार बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो इन हैंड फील मुझे ये फ़ोन का काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि जो साइड में अगर आप देखोगे तो थोड़ा कर्व टाइप का आपको यहाँ पर फिनिशिंग देखने को मिलती है, तो हाथ में अच्छी तरीके से आप ग्रिप हो जाता है। और जिसके मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा है, आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, तो अच्छा आपको इन हैंड फील है। अच्छा यहाँ पर आपके हाथ में ग्रिप आ जाती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं लगता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने यार नोटिस करा, एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि आप देख सकते हो कितने ज़्यादा स्मजेज आ गए अगर मैं बिना केस के इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली ये पॉलीकार्बोनेट वाला बैग है, तो आपको जो स्मजेज है बहुत ही जल्दी आसानी से दिख जाते हैं और आपके जो डिवाइस की शाइन है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो ये चीज़ बताना ज़रूरी था। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक और एक चीज़ मैंने देखा बिल्ड क्वालिटी में कि जो कैमरा हम्प है आप पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, अच्छा खासा यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी से बाहर है। तो केस का मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कोई भी केस अगर आप लेते हो, ये तो आप जो लगाओगे वो तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप एडिशनल या बाहर से भी आप लेते हो एक्सटर्नली, तो यहाँ पर जो केस है कैमरा हम्प को यहाँ पर आप चेकआउट करना कि वो बाहर निकला हुआ है, क्योंकि जो कैमरा हम्प है अच्छा खासा यहाँ पर आपको बाहर देखने को मिल रहा है। रियलमी का पहला डिवाइस है जिसमें इतना बड़ा यहाँ पर आपको बाहर निकला हुआ दिख रहा है, तो ये भी चीज़ को देखने खरीदने से पहले पता रहनी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। मैंने यूज़ करा और आपको अगेन कलर वर्स 6 वगैरह देखने को मिलता है और ऐप ड्रॉवर भी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दूँ अगर आप 64 GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको कितनी स्टोरेज मिलेगी, क्योंकि वो भी जानना ज़रूरी है। और मैंने एक भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड अभी फिलहाल के लिए नहीं करा हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली मैं बता पाऊँ कि कितनी स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। तो स्टोरेज कैपेसिटी में अगर मैं जाऊंगा तो आपको 54 GB के आसपास आपको फ्री स्पेस मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और अगेन यस यूज़ आपको 2.1 है, तो 51.9 GB आपको एक्जैक्टली में 64 में से देखने को मिलेगी, जो कि अगेन अच्छी खासी सफिशिएंट आपको देखने को मिलती है, बिकॉज ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी है, तो अच्छी चीज़ है। अगर अबाउट फोन में अगर आपको जाके बताओ तो आप देख सकते हो यहाँ पर है रियलमी 5 Pro, और आप देख सकते हो यहाँ पर है 51.9 GB फ्री, स्नैपड्रैगन 712 है, 4 GB वाला वेरियंट में बुक करा था, और आप देख सकते हो अभी यहाँ पर जुलाई का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि डिवाइस में आपको देखने को मिलती है। ब्लोटवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको यस थोड़े बहुत ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप अनइंस्टॉल मेरे हिसाब से कर सकते हो। चलिए यूसी ब्राउज़र को चेकआउट कर लेते हैं, आपको इसे दबा के रखना है अनइंस्टॉल। यस डेफिनेटली आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो थोड़ी बहुत आपकी जो MB है वो अगेन और बच जाएगी, तो लगभग 52 GB के आसपास आपको इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। चलिए अब मैं जल्दी से यहाँ पर आपको इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक मैंने सेटअप करा वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इसके आप यहाँ पर देख सकते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने डाल दिया, ये देख सकते हो टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, टैब अनलॉक, बहुत ही फास्ट है। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर इसकी डिज़ाइन में अगेन अच्छी नहीं लगी, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट है वो मुझे थोड़ी ऊपर लगी, आप देख सकते हो इतना सी गैप है। तो यहाँ पर जो उंगली है बार बार अभी चालू नहीं हो रहा था, मैं यहाँ पर टैप कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर रहता है सारे फोन्स में, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ऊपर है तो आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा अपनी फिंगर को जब जाके यहाँ पर ये रहता है। बाकी काम की अगर हम बात करें तो यहाँ गेंद देखिए वापस से ऐसे ही हो गया था, यहाँ पर अगर देखिए तो काफ़ी फास्ट चलता है। फेस अनलॉक मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर देख सकते हो पूरी उंगली नीचे है और आप देख सकते हो फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है। अगेन फेस अनलॉक से भी आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके आपको उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बता देता हूँ। अगेन चलिए ये वीडियो देख लेते हैं और आप देख सकते हो फुल स्क्रीन पर जूम इन भी आप यहाँ पर कर सकते हो, छोटा देखना है छोटा भी कर सकते हो आप अपनी मर्जी से।
डिस्प्ले की क्वालिटी आप देख सकते हो, मैंने ब्राइटनेस हल्की सी कम रखा हो ताकि आपको अच्छी तरीके से क्वालिटी का अंदाज़ा हो, कलर वगैरह आपको कैसे देखने को मिल रहा है। बाकी मैं रियल आइज से देख रहा हूँ तो मुझे तो यहाँ पर कलर वगैरह आईपीएस डिस्प्ले के हिसाब से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, स्लाइटली पंची भी कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। हाँ ओलेड जितने उतने डार्क नहीं है लेकिन स्टिल अच्छे लग रहे हैं और नेचुरल कलर आपको यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। जो डिस्प्ले भी है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी आप देख सकते हो, जो बेजल्स है वो आपको साइड्स में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, और जो मिनी ये जो नॉच है Realme 3 Pro से थोड़ी हल्की सी छोटी आप यहाँ पर क्लियरली नोटिस कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पर Realme ने काफ़ी अच्छा काम करा है डिस्प्ले को लेके। अगेन आपको इससे डिस्प्ले का यहाँ पर आइडिया आ चुका रहेगा। अब आ जाते हैं, मैं आपको एक ऑडियो फाइल भी यहाँ पर सुना देता हूँ, चलिए हम NCS का ही देख लेते हैं। ओके चलिए कोई वीडियो खोल लेते हैं NCS। ओके चलिए ये खोल लेते हैं, पहले आइडिया आ जाता है यार हमेशा। ये देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने फुल साउंड कर दिया हो और आपको जो साउंड क्वालिटी है वो आपको ऐसी देखने को मिलेगी। आई होप कि यार आपको साउंड क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो चुका रहेगा, लेकिन साउंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ डायरेक्टली मैं सुन रहा हूँ तो माइक में आपको बराबर सुनाई दिया या नहीं दिया मुझे पता नहीं, लेकिन रियलिटी में डिसेंट साउंड बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, डिसेंट है, अबव एवरेज आप इसे बोल सकते हो। चलिए अब कैमरे में जाते हैं, हम UI को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो कैमरे में आपको अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर फोटोज़ है, वीडियोज़ है, 1x है, और आपका जो Realme का 2x वगैरह देखने को मिल 5x भी मिलता है, लेकिन ये ऑप्टिकल जूम नहीं है, डिजिटल जूम है, तो जो कि नॉर्मली आप जो पिंच करके जो जूम करते हैं वही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वीडियो क्वालिटी मैक्स कितने पे जाती है भैया आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो 1080p है, 4K है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप 30fps पे कर सकते हो, और यहाँ पर आपका जो है वीडियो पे भी आप यहाँ पर इफेक्ट चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है यार। वीडियो पे आपको अगर फिल्टर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो बना सकते हो, और देख सकते हो फ्रेम रेट जो है 30fps है, और जो 1080p और वगैरह पे आपको 60fps देखने को मिल जाता है। सो ये पूरा आपको कैमरे का कुछ इस तरीके का UI देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्ट्रा 48 megapixel वगैरह का कैमरा है, नाइटस्केप है, एक्सपर्ट मोड है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, अल्ट्रा मैक्रो लेंस वगैरह है, और स्लो मोशन कितने तक कर सकते हैं भाई, यहाँ पर 960fps पे आप कर सकते हो, 720p पे, जो कि आपको मैं कैमरा रिव्यू में आपको जल्द से बताने की कोशिश करूँगा। चलिए मैंने यहाँ पर कुछ इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से कुछ पिक्चर क्लिक करो, इसके आप देख सकते हो यहाँ पर इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया इमेजेस लग रही है, पंची कलर यहाँ पर आपको हल्के से देखने को मिल रहे हैं, और जो ओवरऑल क्वालिटी जो है इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है, और सेल्फी भी आप देख सकते हो एकदम ने क्लिक कराओ अभी के लिए फिलहाल अच्छी लग रही है, बाकी कैमरा रिव्यू में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। बिकॉज ये तो यहाँ पर मेरे इनिशियल इंप्रेशन यहाँ पर Realme 5 Pro को लेके, ओवरऑल यहाँ पर डिवाइस जो है प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट लग रहा है अभी फिलहाल इंडिया में। तो देखते हैं यहाँ पर इसका और कौन कौन सी वीडियो आपको देखना है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, और गेमिंग रिव्यू, कैमरा रिव्यू, कंपैरिजन जो भी देखना है वो बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। सो आई होप कि मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे दोस्तों से अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।